संभल में अखिलेश के निशाने पर रही भाजपा, कहा बंगाल में जनता ममता बनर्जी को चुनकर भेजेगी। भाजपा कितनी साजिश कर ले जनता सब जानती है। ममता मामले की जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने हमला किया है जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप जरूरी विचार कर रहे हैं कि भाजपा को कैसे रोका जाए। देश की ये खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ रह रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। संभल में सांसद तथा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पूर्व संयोजक शफीकुर्रहमान बर्ग से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां अंदर करीब आधा घंटे तक गुफ्तगू की। रणनीति क्या हो और पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, उसके लिए बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर करके एक रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। और इसलिए जरूरी है ये ट्रेनिंग कैंप, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के सहारे प्रोपोगेंडा के सहारे और लगातार मीडिया पे भी हमला हो रहा है और लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं उनको सबको खत्म कर रही है। लोकतंत्र खत्म हो जाए, समाजवाद खत्म हो जाए, सेकुलरिज्म खत्म हो जाए, तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। अखिलेश जी, आपने शिफारिश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जनता का साथ लेकर के नौजवानों का सहयोग लेकर के सरकार को हटाएंगे। शिपाल जी, आपने भी कांग्रेस में नहीं जाना था, मुझे उम्मीद है, तो क्या बोल रहे आपके समाजवादी के साथ? मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। अगला चुनाव ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना चाहिए। अगला चुनाव छोटे दलों से गठबंधन होगा। बहुत धन्यवाद।